नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के शुभ अवसर पर न्यू प्रीत मोटर्स लाया है हीरो बाइक की फुल रेंज एट लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लो ईएमआईज। इसके अलावा यहां पर हार्ली डेविडसन बाइक, हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर, मैवरिक 400 सीसी जैसे बाइक्स भी अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द विजिट करें आपके भिवंडी का एकमात्र हीरो ऑथराइज्ड डीलर एंड सर्विस सेंटर न्यू प्रीत मोटर्स। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर है। नाशिक मिलिट्री कैंप में धमाका होने से दो अग्निवीरों की मौत हो गई। यहां पर ट्रेनिंग में बंदूक से निशाना लगाना सिखाया जा रहा था, जिस दौरान एक शेल फट गया जिसमें 20 और 21 साल के दो अग्निवीर जख्मी हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि अग्निवीर स्कीम सरकार द्वारा पिछले साल इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें 18 से 23 साल के नौजवानों को फौज में भर्ती किया जाता है और फिर 4 साल बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। मीरा रोड इलाके में एक शख्स ने दिन दहाड़े अपनी बीवी की हत्या कर दी। बताया गया कि आरोपी और उसकी पत्नी का तलाक का केस चल रहा था और कोर्ट ने उनके दोनों बच्चों की कस्टडी महिला को दे दी थी, और जब महिला अपनी बेटी के स्कूल के बाहर उसे मिलने गई तो आरोपी वहां पहुंच गया और दोनों में बहस होने लगी, जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने धारदार चाकू से महिला का गला काट दिया। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मौके पर ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मजीद तहकीकात की जा रही है। मुमरा में जितेंद्र आवार के समर्थक और नजीब मुल्ला के समर्थकों में जमकर नारेबाजी देखी गई। दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और वहां मौजूद पुलिस ने हर मुमकिन तरीके से हालात पर काबू पाया। बताया गया कि यहां पर नाले के इनॉग्रेशन को लेकर दोनों गुटों में विवाद हुआ। ये भी कहा गया कि चुनाव आते ही पार्टी कार्यकर्ता हर काम का क्रेडिट लेने में जुट जाते हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके समर्थक भी स्पॉट पर पहुंचते हैं और इस तरह का हंगामा देखने को मिलता है। थाने में एक रिक्शा चालक ने पैसेंजर के साथ मारपीट की, जिस वजह से पैसेंजर को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। मामला कुछ इस तरह बताया गया कि पीड़ित अपने घर जाने के लिए रिक्शा में बैठे और रिक्शा चालक को 50 रुपए की नोट दी, लेकिन नोट फटी हुई थी, जिस वजह से दोनों में बहस हुई और रिक्शा चालक ने शख्स के साथ मारपीट की, जिस दौरान हार्ट अटैक से शख्स की मौत हो गई। थाने में एक बार फिर फुटपाथ पर अपनी मां के साथ सो रहे 5 महीने के बच्चे को अगवा कर लिया गया था, लेकिन थाने पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बच्चे को रेस्क्यू किया। पिछले कई दिनों से मुंबई, थाने जैसे शहरों में फुटपाथ से बच्चों को किडनैप करने के मामले बढ़ रहे हैं। गोंडी में पिछले दिनों एक छोटे बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद आज बच्चे के परिवार वालों ने सड़क पर प्रोटेस्ट किया और स्पीड ब्रेकर की मांग की, जिससे फ्यूचर में इस तरह के हादसे ना हो, और सरकार से अपनी मांगे रखते हुए बच्चे के परिवार वालों ने धरना प्रदर्शन दिया। भिवंडी ग्रामीण में मौजूद अरिहन कॉम्प्लेक्स में एक पुट्ठे के गोदाम में आज अचानक आग लगने की खबरें सामने आई, जिसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। गोदाम में सिलेंडर होने की आशंका ने आसपास के लोगों में डर का माहौल बना दिया, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर इलाके को खाली करवाया और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। फिलहाल हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। भिवंडी पुलिस ने 2 तड़ीपार आरोपियों को शहर में घूमते हुए गिरफ्तार किया। बताया गया कि 21 और 24 साल के आरोपियों को 2 मुख्तलिफ गंभीर जुर्मों की वजह से 2 साल के लिए थाने मुंबई, पालघर, पुणे और रायगढ़ से तड़ीपार किया गया था, लेकिन पुलिस को जानकारी दी गई कि दोनों आरोपी भिवंडी शहर में खुलेआम घूम रहे थे, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर और अजित पवार लेड एनसीपी के मेंबर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक 3 लोगों ने जीशान सिद्दीकी के बैंड्रा ईस्ट ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल भर्ती किया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भिवंडी में पिछले दिनों 45 वर्षीय रिक्शा चालक दिनेश भोईर की हत्या की गई थी। पुलिस ने आखिरकार इस मामले को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस जानकारी के मुताबिक आरोपी और विक्टिम में 4 दिन पहले पैसेंजर्स बैठाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, लेकिन इस विवाद को हिंसा की शक्ल देते हुए आरोपी धोखे से विक्टिम की रिक्शा में पैसेंजर बनकर बैठ गया और मौका पाते ही धारदार हथियार से विक्टिम की हत्या कर दी। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद फिलहाल पुलिस कस्टडी में रखा गया है।